हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट टू। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक वाक्य दिया है, उसके सामने आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग। अर्नेस्ट के जो शब्द थे, उसकी जो बातें थी, वो लोगों को पुरानी जो बुद्धिमानी से भरी हुई कहावतें थी या सलाह थी, उनको याद दिलाती थी। इसका जवाब है ट्रू। सेकंड, टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फेमिलियर। जितने भी अजनबी लोग बाहर से आए, जो कि इस वैली से बहुत दूर चले गए थे, उन्होंने उसका चेहरा काफी परिचित पाया। इसकी बात हो रही है अर्नेस्ट का। इसका जवाब है ट्रू। तीसरा है, द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म्ड अर्नेस्ट व्यू दैट द पोइट कुड बी वर्दी ऑफ इट्स लाइकनेस। ग्रेट स्टोन फेस ने ये कन्फर्म कर दिया, ये पक्का कर दिया कि पोइट जो है वो ग्रेट स्टोन फेस की समानता रखने के योग्य है। तो इसका जवाब है फॉल्स, ऐसा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अर्नेस्ट एंड द पोइट मेट दे रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड ईच अदर इक्वली। जब अर्नेस्ट और वो कवि मिले तो उन्होंने एक दूसरे का समान रूप से सम्मान किया और प्रशंसा की। इसका जवाब है ट्रू। पांचवा है, द पोइट अलोंग विद अर्नेस्ट एड्रेस्ड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। ये जो पोइट है, उसने अर्नेस्ट के साथ में वैली के लोगों को एड्रेस किया, संबोधित किया। तो इसका जवाब है फॉल्स, उसने ऐसा नहीं किया। अगला है, द पोइट रियलाइज दैट अर्नेस्ट थॉट वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेज। ये कवि ने ये महसूस किया कि अर्नेस्ट के जो विचार थे वो उसकी कविताओं से भी बहुत ऊंचे दर्जे के थे। तो इसका जवाब है ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। अर्नेस्ट जो है वैली के और लोगों से अलग किस प्रकार से था। अर्नेस्ट वाज अनलाइक अदर कॉमनर्स इन द वैली। अर्नेस्ट जो है इस वैली के सामान्य लोग जो थे उनकी तरह नहीं था। ही वॉज ए गुड सिंपल हार्टेड नोबल एंड थॉटफुल पर्सन। वह एक बहुत ही अच्छा, अच्छे हृदय वाला और बहुत ही सर्वोच्च और विचारनीय व्यक्ति था। ही हैड बीन अंडर ऑब्जर्वेशन। कई लोग उसकी बातों को ध्यान दिया करते थे। ही डिड नॉट गो विद द क्राउड। वह भीड़ भाड़ के साथ नहीं चला करता था। इसका मतलब सामान्य लोगों की तरह उसका जीवन नहीं था, उसका जीवन औरों से अलग था। ही वेलकम टोटल स्ट्रेंजर्स एज द प्रोफेट्स। उसने जितने भी अजनबी लोग आए उनका इस प्रकार से स्वागत किया जैसे वो किसी विषय के ज्ञाता हो या बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो। Why did Ernest think the poet was like the stone face? Ernest ने ऐसा क्यों सोचा कि ये जो कवि है वो स्टोन फेस की तरह है? The poet wrote wonderful songs. इस कवि ने बहुत प्यारे प्यारे गीत लिखे थे। He had celebrated the great stone face in one of his poems. और उसने ग्रेट स्टोन फेस के बारे में अपनी एक कविता में भी लिखा था। When Ernest read this poem, he became convinced that the poet was like the stone face. जब अर्नेस्ट ने इस कविता को पढ़ा तो वो आश्वस्त हो गया कि ये जो कवि है वो स्टोन फेस की तरह समानता रखता है। What did the poet himself say about his thoughts and poems? कवि के अपने खुद के विचारों और कविताओं के बारे में क्या विचार थे? The poet confessed that he was not worthy to be compared with the stone face. इस कवि ने ये स्वीकार किया कि वो इतना योग्य नहीं है कि उसकी तुलना स्टोन फेस से की जाए। His actions did not match with his thoughts. उसके जो एक्शन हैं, उसके जो कार्य हैं, वो उसके विचारों से नहीं मेल खाते हैं। What made the poet proclaim Ernest was the stone face? किस कारण से कवि ने ये घोषणा कर दी कि अर्नेस्ट है वही स्टोन फेस से समानता रखता है? अर्नेस्ट एंड द पोइट टुगेदर वेंट टू ए मीटिंग प्लेस। अर्नेस्ट और वो जो कवि है वो एक मीटिंग प्लेस पे गए। अर्नेस्ट एड्रेस्ड द गैदरिंग। और अर्नेस्ट जो है लोगों को संबोधित कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था। हिज वर्ड्स हैड पावर एंड हिज थॉट्स हैड डेप्थ। उसके शब्दों में बहुत शक्ति थी और उसके विचारों में बहुत गहराई थी। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, ए लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव। और ये जो सब थे वो जीवन के सब थे, एक ऐसा जीवन जो अच्छे कामों से भरा हुआ था और जिसमें किसी भी स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं थी, निस्वार्थ प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था।
द पोइट वॉज कन्विंस्ड दैट अर्नेस्ट वॉज मच नोबलर देन हिम। पोइट इस बात को मानने के लिए आश्वस्त हो गया कि अर्नेस्ट जो है उससे बहुत ही ज्यादा सुप्रीम है। अर्नेस्ट फेस हैड सच ए ग्रैंड एक्सप्रेशन दैट ही डिक्लेयर्ड दैट अर्नेस्ट बोर द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट के चेहरे पे इस प्रकार के शानदार भाव आए कि कवि ने ये घोषणा कर दी कि अर्नेस्ट जो है ग्रेट स्टोन फेस से समानता रखता है। राइट अर्नेस्ट और पोइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। हर एक स्टेटमेंट के सामने लिखना है ये अर्नेस्ट के लिए कहा गया है या पोइट के लिए। पहला है देयर वाज ए गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स। उसके शब्दों में और उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर था, ये किसके लिए कहा गया है? पोइट के लिए। सेकंड है हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रुथ एज दे एग्रीड विथ हिज थॉट्स। उसके शब्दों में बहुत शक्ति थी क्योंकि वह उसके विचारों से मेल खाते थे, ये अर्नेस्ट के लिए कहा गया है। तीसरा है हिज वर्ड्स वर एज सूदिंग एज ए हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज ए वेग्यू ड्रीम। उसके जो शब्द थे वो इतने प्रभावशाली थे जैसे कोई स्वर्ग से उतरा हुआ गीत हो, लेकिन ये केवल एक कोरे सपने की तरह थे, ये कहा गया है पोइट के लिए। अगला है हिज थॉट्स वर वर्दी, उसके विचार जो है वो योग्य थे, ये कहा गया है कवि के लिए। फिफ्थ है व्हाटएवर ही सेड वाज ट्रूथ इटसेल्फ, जो कुछ वह कहता था वो सच था, ये कहा गया है अर्नेस्ट के लिए। सिक्स्थ है हिज पोइम्स वर नोबल, उसकी जो कविताएं थी वो बहुत ही सुप्रीम थी, उच्च दर्जे की थी, ये कहा गया है पोइट के लिए। सेवन्थ है हिज लाइफ वाज नोबलर देन ऑल द पोइम्स, उसका जो जीवन है वो उसकी कविताओं से भी ऊपर था, सुप्रीम था, तो ये कहा गया है यहाँ अर्नेस्ट के लिए। एट्थ क्वेश्चन है ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, उसका अपने खुद के विचारों में विश्वास नहीं था, ये कहा गया है कवि के लिए। नाइन्थ है हिज थॉट्स हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड, उसके विचारों में बहुत शक्ति थी क्योंकि उसके विचार जो हैं उसके जीवन से मेल खाते थे, ये कहा गया अर्नेस्ट के लिए। ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, महानता जो है वो सच में रहती है। ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शन, और सच जो है हर एक व्यक्ति के काम में नजर आ सकता है। ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट, वह सच्चा था इसलिए वो महान था, ये कहा गया है अर्नेस्ट के बारे में। Who by common consent turned out to be like the great stone face? सबकी आम सहमति से किसे great stone face के समान माना गया? Ernest was accepted by common consent exactly like the great stone face. सबकी आम सहमति से अर्नेस्ट को ग्रेट स्टोन फेस की तरह माना गया। Did Ernest believe that the old prophecy had come true? What did he say about it? क्या अर्नेस्ट ने इस बात पे विश्वास कर लिया कि पुरानी भविष्यवाणी सही साबित हुई? उसका इस बारे में क्या विचार था? इसका जवाब है नो, अर्नेस्ट स्टिल वाज नॉट कन्विंस्ड दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। नहीं, अर्नेस्ट जो है अभी तक भी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं था कि पुरानी भविष्यवाणी सच साबित हुई। ही होप्ड दैट समडे ए मैन वाइजर एंड नोबलर देन हिम वुड कम एंड वुड लुक ट्रूली सिमिलर टू द ग्रेट स्टोन फेस। वह ये उम्मीद करता था कि किसी एक दिन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति और बहुत ही सुप्रीम, जो उससे भी महान होगा, वो आएगा और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह समानता रखेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस क्लास के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।